दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, संविदा पद से त्याग पत्र, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने दिया त्याग पत्र। वर्ष 2012 से कार्यरत है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में, कम मानदेय में गुजारा मुश्किल। सीएम गहलोत संविदा कार्मिकों के साथ न्याय करें। जी हाँ दोस्तों, सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर को अपना त्याग पत्र सौंपा। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मचारी सीकर का यह मामला है। आइए दोस्तों पूरी खबर की इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। है जो चिकित्सा अधिकारी फरवरी राजस्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जवाश लक्ष्मणगढ़ सीकर को ये लिखा गया है। विषय यहाँ पे लिखा गया है त्याग पत्र देने बाबत। इसमें लिखा गया है कि मैं जितेंद्र कुमार जांगड़ पुत्र श्री राजेंद्र जी जांगड़ निवासी सांखू से वर्ष 2012 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कंप्यूटर ऑपरेटर मैन विथ मशीन के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने इतने वर्ष पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य किया, परंतु इस महंगाई के दौर में इतने कम वेतन में जीवन यापन करना बहुत ही कष्टमय है। इस कारण मैं मानसिक व आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गया हूँ। अतः मैं आज दिनांक 1 जनवरी 2020 को अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। अगर मेरे कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई है या मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों बड़ी खबर, यहाँ पे जो संविदा कर्मचारी है लक्ष्मणगढ़ सांखू से चिकित्सा विभाग में उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। साफ साफ यहाँ पे इंडिकेट किया है कि इस जो महंगाई के दौर में है, अल्प मानदेय में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है, इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे त्याग पत्र दिया है, प्रतिलिपि दी है मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर को। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को, श्रीमान मिशन निदेशक एनएचएम जयपुर को और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को यहाँ पे प्रतिलिपि दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो चिकित्सा अधिकारी है प्रभारी राजस्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मिर्जवाश के, इन्होंने यहाँ पे लिखा कि 7 फरवरी को त्याग पत्र प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पे, एक जो दुखी संविदा कर्मचारी है जो अल्प मानदेय भोगी है, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने साफ साफ इंडिकेट किया है कि इस महंगाई के दौर में अल्प मानदेय में घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। बड़ी अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूले। इसके अलावा मैं माननीय गहलोत साहब से विनती करना चाहता हूं, इसके साथ ही आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप ट्विटर पर रीट्वीट करें माननीय सीएम साहब के साथ, ताकि उनको समझ में आए या उनको ये संदेश पहुंचे कि संविदा कर्मचारी अल्प मानदेय भोगी हैं, इनका इस महंगाई के दौर में गुजारा चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इसी वजह से दोस्तों मैं बता दूं कि जो अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं लक्ष्मणगढ़ सीकर से, उन्होंने यहाँ पे त्याग पत्र दे दिया है। बड़ी अपडेट आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ निकल के आ रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।